सवाल नंबर 13 देखते हैं बच्चों। ये सवाल नवोदय परीक्षा सन 2005 में पूछा गया है। यहाँ पे सवाल ये कहता है कि 2:3 और 5:6, 8:9 का मिश्रित अनुपात बताइए। तो बच्चों मिश्रित अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 2:3 लिख लेते हैं और 5:6 लिख लेते हैं, 8:9 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, मिश्रित अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली वाली पहली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 2 × 5 = 10, 10 × 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरी वाली संख्या का दूसरे में गुणा करेंगे, तीछा का 18 हो जाएगा और 18 में 9 का गुणा करेंगे, 18 × 9 हो जाएगा। इसी को बच्चों सॉल्व करते हैं, तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 40 बार जाएगा, तो 40 × 9 में 9 गुणा करेंगे, 9 × 9 = 81। तो इन तीनों का मिश्रित अनुपात कितना आएगा, 40 / 81, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।